नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर जेएस एक्सप्रेशंस। प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने एनजी रिपीट वगैरह में कहीं पर एक्सप्रेशंस यूज किया है, तो उसको हम डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली एक्सप्रेशंस होता क्या है, राइट। एक्सप्रेशंस एंगुलर जेएस के अंदर एक्सप्रेशंस की मदद से आप मॉडल डेटा को या व्यू के किसी पार्ट के अंदर डेटा डिफाइन हुए हैं, लाइक एनजी इनिट के अंदर डेटा डिफाइन हुए, तो उनको आप एचटीएमएल के अंदर बाइंड करवा सकते हो, राइट। एंगुलर जेएस डिफाइन कैसे होता है, तो एंगुलर जेएस लिखने के लिए आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और दो कर्ली ब्रैकेट से एंड होता है, और उसके अंदर आपके जो भी वेरिएबल का नाम है जो आपने मॉडल के अंदर डिफाइन किया है या एनजी इनिट के अंदर डिफाइन किया है वगैरह वगैरह आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक। एंगुलर जेएस एक्सप्रेशंस एक एनजी बाइंड डायरेक्टिव की तरह ही है बिल्कुल, मतलब उसका वर्किंग और एनजी बाइंड डायरेक्टिव का वर्किंग दोनों का सेम है। दूसरे वर्ड में कहूँ तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस इट्स लाइक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस। एंगुलर जेएस के अंदर भी जावास्क्रिप्ट की तरह ही वेरिएबल भी आ सकते हैं, ऑपरेटर्स भी आ सकते हैं, लिटरल भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ माइनर डिफरेंस भी है, राइट। क्या है देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप वेरिएबल यूज़ कर सकते, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस के अंदर वेरिएबल यूज़ होते हैं, ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, तो वो एंगुलर जेएस के अंदर भी यूज़ होते हैं, लेकिन एंगुलर जेएस एक्सप्रेशंस कंडीशंस लूप्स एक्सेप्शंस सपोर्ट नहीं करता है जो जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशंस करते हैं, लेकिन एंगुलर जेएस के एक्सप्रेशंस फिल्टर्स का सपोर्ट करते हैं जो जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशंस नहीं करते हैं। और डिटेल में विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन किस तरह से यूज़ होते हैं और हम लोग कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। स्क्रीन पे देख सकते हो हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन का एग्जांपल बनाया है, राइट। उसमें सेम प्रीवियस जो भी एग्जांपल्स में हम लोगों ने किया था वही किया है, एक एचटीएमएल लिया, उसके हेड के अंदर हम लोगों ने एक एंगुलर की लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दी, राइट। जिसके अंदर इसकी मदद से अब हम लोग लाइब्रेरी इंक्लूड करा दी, इसका मतलब हम लोग अब एंगुलर की फंक्शनलिटी इस पेज पर यूज़ कर सकते हैं, डन। देन हम लोग बॉडी के अंदर गए, वहाँ पर मैंने एनजीएफ डिफाइन कर दिया, इसका मतलब हुआ कि बॉडी अब हमारा स्कोप हो गया जिसके अंदर हम लोग एंगुलर जेएस की फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान से देखना हम लोगों ने क्या किया है, देन एनजी इनिट डायरेक्टिव यूज़ की है, विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्टिव हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स कुछ वैल्यूज डिफाइन कर लिए हैं। सपोज एक नेम नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर अल्केश एक स्ट्रिंग स्टोर कर ली, सेकंड सरनेम नाम का वेरिएबल लिया उसके अंदर भी एक स्ट्रिंग स्टोर कर ली, फिर दो वेरिएबल लिए एक कॉस्ट और क्वांटिटी जिसके अंदर हम लोगों ने इंटीजर वैल्यू स्टोर की है, देन एक यूजर्स नाम का एरे डिफाइन किया है, दूसरा पॉइंट्स नाम का एरे डिफाइन किया है। हम लोगों ने अलग अलग वैल्यू डिफाइन की है ताकि हम लोग एक्सप्रेशंस को अलग अलग मतलब वैल्यूज़ के साथ यूज़ कर सके। सपोज़ मुझे किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, सपोज ये नेम नाम के वेरिएबल को मुझे व्यू में प्रिंट करवाना है, तो कैसे करूँगा, देखो एक्सप्रेशंस मैंने क्या बोला था कैसे लिखा जाता है, अगर उसकी सिंटेक्स पर अगर हम लोग जाए तो कैसे होती है, इस तरह से दिख रहा है, राइट। तो उसी तरह से हम लोगों ने कोड में यूज़ किया है, दो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट, दो कर्ली ब्रैकेट से एंड, और उसके अंदर वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पर नेम क्या लिखा है अल्केश, तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा अल्केश, देखो दिख रहा है यहाँ पर। सेकेंड हम लोग जाते हैं, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा कि नंबर्स, तो नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पे देखो दो इंटीजर वैल्यू डिफाइन की, एक कोस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, दूसरा क्वांटिटी नाम के वेरिएबल के अंदर, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, दो कर्ली ब्रैकेट ओपन, दो कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके बीच में एक वेरिएबल का नाम कोस्ट, दूसरे का नाम क्वांटिटी, और दोनों के बीच में एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर भी यूज़ किया है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए 30, तो यहाँ पर देखो आउटपुट में आप क्या देखोगे आ रहा है 30, डन। नेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, दो स्ट्रिंग ली है, एक नेम के अंदर हम लोगों ने अल्केश स्टोर किया था, दूसरा सरनेम नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने काबा स्ट्रिंग स्टोर की थी, तो इन दोनों को हम लोग कॉनकेट करा के देखते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। एंगुलर जेएस के अंदर भी कॉनकेट के लिए प्लस ऑपरेटर ही यूज़ होता है, क्योंकि एंगुलर जेएस भी एक जावास्क्रिप्ट ही है, ओके। तो इसके अंदर गए किस तरह से, दो कर्ली ब्रैकेट ओपन, दो कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर फर्स्ट वेरिएबल का नाम, फिर प्लस, फिर दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस देने के लिए एक स्ट्रिंग ले ली, फिर प्लस आपके दूसरे वेरिएबल का नाम, ठीक, राइट। अगर ये चीज़ हुई, देखो आप दिख रहा है अल्केश काबा। नेक्स्ट देखते हैं कि सपोज मैंने एक एरे डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है एरे, आप देखोगे तो मैंने एक
यूजर्स नाम का एरे डिफाइन किया है जिसके अंदर कॉलम लिए है फर्स्ट नेम, उस पर वैल्यू है अल्केश, लास्ट नेम उस पर वैल्यू है काबा, ठीक है। अब इस एरे में से मुझे वैल्यू फैच करनी है यूजिंग एक्सप्रेशंस, तो हम लोग कैसे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर आपको लिखना है एरे का नाम डॉट आपके इंडेक्स का नाम। तो एरे का नाम क्या है, यूजर्स डॉट इंडेक्स का नाम, यानी कि क्या है, फर्स्ट नेम। तो मैंने क्या लिख दिया है, फर्स्ट नेम, डन हो गया। नेक्स्ट, कोई हमारे पास सिंपल न्यूमेरिक एरे हो लाइक एनजी इनिट में, आप ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने सेकंड पॉइंट्स नाम का एरे डिफाइन किया है जिसके अंदर स्टैटिकली मैंने वैल्यू मेंशन कर दी है। अगर इनमें से अगर मुझे कोई भी वैल्यू चाहिए तो आप कैसे ले सकते हो, सिंपल दो कर्ली ब्रैकेट ओपन, दो कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर आ गए एरे का नाम, एरे का नाम क्या है, पॉइंट्स, राइट। फिर इसमें से आपको जो वैल्यू चाहिए उसका इंडेक्स, हम लोग जानते हैं कि एरे के अंदर इंडेक्स स्टार्ट होते हैं जीरो से, मतलब आपको वन चाहिए तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे जीरो, 15 चाहिए तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे वन। देखते हैं एग्जांपल के साथ, मुझे चाहिए था 40, तो 40 का इंडेक्स क्या हुआ, जीरो वन टू थ्री एंड फोर, तो क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंट्स ऑफ फोर, देखो लाइक दैट, ठीक है। तो AngularJS के अंदर हम लोग एक्सप्रेशंस स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए भी, एरे के लिए भी, नंबर्स के लिए भी, हर जगह यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये था AngularJS एक्सप्रेशन।